जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न जो कमेंट में पूछा गया है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके साथ इसकी रचना विधि भी लिखेंगे, क्योंकि रचना विधि लिखना बहुत आवश्यक है। जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप सिर्फ रचना करेंगे, रचना विधि नहीं लिखेंगे, तो आपको नंबर कम मिलेगा। इसलिए रचना विधि लिखना जरूरी है, और इसमें रचना विधि आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में आया है कि एक चतुर्भुज की रचना कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है, क्या है? एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी 4.4 सेमी, बी सी 4 सेमी, सी डी 6.4 सेमी, डी ए 8 सेमी और बी डी 6.6 सेमी है। तो ए सी भुजा मापिए, मतलब चतुर्भुज रचना करना है, उसके बाद ए सी भुजा कितनी है वो मापकर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ बनाएंगे। ठीक है, रफ चतुर्भुज इस तरह का एक चतुर्भुज बना लेंगे रफ। इसमें नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब इसमें जो जो बोला है लिख लेंगे रफ। ठीक है, ये रफ है। और ए बी 4.4, तो यहां पर लिख लेंगे 4.4। फिर देखिए दिया है बी सी, बी सी 4 सेमी। फिर सी डी, सी डी 6.4 सेमी। फिर ए डी या डी ए 2.8 सेमी। बी डी, बी डी यहाँ से ये बी डी 6.6 सेमी। और ए सी जो है ये वाला आपसे पूछ रहा है कि ये कितना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रफ बना लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं कैसे कैसे बनाएंगे। पहले ए बी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी 4.4 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए 4.4 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर वहाँ तक 4.4 सेमी हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे ए और ये बी। फिर देखिए ए डी 2.8, तो हम इसको पहले नाप लेंगे, चाप लेंगे 2.8 सेंटीमीटर का, 3 से 2 कम। ये देखिए 2.8 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से एक चाप इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया है 6.6, तो ठीक है 6.6 लेंगे और इसको यहाँ से पहले नापेंगे 6.6 सेंटीमीटर। ये देखिए 6.6 हो गया। और यहाँ B से लिखेंगे, क्योंकि ये B D है। B से यहाँ पे जहाँ पे कटेगा वहाँ पे काट लेंगे। तो ये जो बिंदु आया ये D आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब मिलाएंगे। इस तरह से ए से डी को और बी से भी डी को। ठीक है, ये हो गया। अब फिर पूछा है यहां से अब यहां वाला और यहां से यहां वाला 6.6 एक लेना है, 6.4 डी सी 6.4 ले लेंगे। यहाँ से 6 और यहाँ से 4 करना है, तो एक कम हो जाएगा। ये देखिए 5 से एक कम और 5 से एक ज़्यादा था, तो यहाँ से अब ऊपर की तरफ यहाँ जहाँ भी कट रहा है इसे करके बढ़ा देंगे। और उसके बाद बी सी
बी सी यहाँ से इस तरफ बढ़ाएंगे, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इस तरह से ले लेंगे इसको, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को पहले मिला लेंगे, एकदम आसान है, ये मिला लिए हम लोग, इस पर नाम लिख लेंगे ये सी है, और फिर यहाँ से इसको मिला लेंगे, अब पूछा है कि ए सी कितना है, तो ए सी को हम लोग इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कि ए सी बराबर कितना हो रहा है वो नाप लेंगे, पहले इसको यहाँ से रखेंगे यहाँ तक, ठीक है, बराबर आ रहा है, अब यहाँ से इस पर रखेंगे तो देखिए 5.7 कितना आ रहा है, 5.7 नाप लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये देखिए 5.7 आ रहा है, तो ये हमारा नाप हो गया 5.7 सेंटीमीटर। अब इसकी रचना विधि लिखनी है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस तरह से आप लोग रचना विधि लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके रचना विधि आप लिख लीजिए। आशा है कि वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, अगर वीडियो समझ में आया है अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपका भी कोई अगर प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा, वीडियो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।